नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ तुलसी की मंजरी के बारे में बात कर रही हूँ। तुलसी की मंजरी को हटाएं कब या हटाएं कि ना हटाएं, और जो बीज होता है उससे पौधा उगाएं कि ना उगाएं, इसी प्रकार की कई बातें हैं, और मंजरी का क्या करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है, और हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने के साथ ही तुलसी के कई औषधिक गुण भी होते हैं। वास्तुशास्त्र में तुलसी को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। कई बार आपने देखा होगा तुलसी पर ज़रूरत से ज़्यादा मंजरी आ जाती है, तो तुलसी पर आपने इस तरह की मंजरी तो देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते, ये जो मंजरी होती है ये तुलसी जी को बहुत कष्ट देती है। तुलसी पर ये भार समान होती है, तो उन्हें आपको समय समय पर हटा देना चाहिए। कोई अच्छा दिन देखकर तुलसी की मंजरी को हटा देना चाहिए, और इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इन मंजरी को हटाने से हमारी तुलसी भी अच्छे से विकास करती है। तो अब बात आती है कि इन मंजरी का हम क्या करें। बहुत से लोग इन्हें विष्णु जी या शालिग्राम भगवान पर, कृष्ण जी पर अर्पित कर देते हैं। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और हाँ, एक बात और कि बहुत से लोग तुलसी की मंजरी को हटाकर गमलों में या कच्ची जगह जहाँ पे हो वहाँ डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अनेकों तुलसी के पौधे उग जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप अगर तुलसी के पौधे उगाते हैं तो वो कोई परेशानी नहीं, और अगर आपने बो दिया है और मतलब कि आपने खुद लगाए हैं और वो तुलसी निकली है, तो आपको तुलसी का विवाह करना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय बता रही हूँ। अगर घर में हमेशा अशांति, लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद होता रहता है, तो मंजरी को तोड़कर सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर के किसी ऐसे कोने में रख दें जहाँ किसी की बाहरी, मतलब बाहर की या घर के किसी की भी नज़र न पड़े। तो हर प्रकार के इससे लड़ाई झगड़े और आप देखेंगे सभी प्रकार की समस्या का अंत हो जाता है। कोई मनोकामना हो या व्यापार नहीं चल रहा है तो इस सभी समस्या का अंत हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर जहाँ आपकी तिजोरी है उस जगह पर आप अपने इसको रखते हैं तो आपके धन में बरकत होती है। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जिससे कि जीवन में आर्थिक परेशानियाँ भी दूर होती हैं। और यह आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक मंजरी विष्णु जी के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करें, तो आप देखेंगे धन धान में वृद्धि होगी, व्यापार में जो कर्ज है वो दूर होंगे। जब आपको धन धान में वृद्धि होगी तो कर्ज तो अपने आप ही दूर हो जाएगा, और कोई विशेष मनोकामना है जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही तो आप 108 मंजरी की माला बनाकर बृहस्पतिवार के दिन घी का दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, और अपनी मनोकामना कहते हुए आप देखेंगे तुलसी मंजरी किस प्रकार चमत्कार करती है। तो चलिए आज मैं आपको तुलसी की मंजरी की माला बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तुलसी की मंजरी मैंने तोड़ ली है, और कोई भी शुभ दिन देख के आप इन्हें तोड़ लीजिएगा। और इसके लिए हमको माला बनाने के लिए डोरी की ज़रूरत होगी, तो मैंने कलावा लिया है। आपके पास अगर कलावा नहीं है तो लाल डोरी ले सकते हैं आप। और अब हम माला कैसे बनाएंगे ये चलिए देख लीजिए। तो ये जो मंजरी होती है, जो हम पेड़ से एक डाल तोड़ते हैं मंजरी से जुड़ी हुई, तो ये एक मानी जाती है। इसको हम 5 लेंगे, और ये कलावा में हम इसको इस तरह से बांध देंगे। आप वीडियो में देख लीजिए, इसी प्रकार से दो बार हम इसको अच्छे से बांध देंगे थोड़ा सा टाइट करके, और फिर इसी तरह से 5 मंजरी और ले लीजिए, और इसी तरह से आप बांधते चले जाइए। ये गिन के हम ऐसे इस तरह की आप देख लीजिए, एक मंजरी ऐसे होगी और इसको हम 5-5 लेके बांध लेते हैं। तो हमने एक बंच में 5 मंजरी रखी है, दूसरे बंच में भी हमने 5 मंजरी रखी है, तो ये मिला के हो गई 10 मंजरी। और इसी तरह से अगर हम 10 बंच तैयार कर लेते हैं तो वो हो गई 50 मंजरी।
और फिर उसके बाद हम 50 के लिए और ले लेंगे 10, तो यानी कि 20 बंच हमको बनाने हैं। 20 बंच में 100 मंजरी लग जाएगी और फिर बाकी बची 8 मंजरी। तो ये देखिए मैंने 100 मंजरी की 20 बंच तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये हमारे 20 बंच तैयार हो गए हैं और बाकी अब एक बचा है 8 मंजरी। तो 8वां मंजरी को हम एक साथ गिन के और एक बंच में बांध देंगे। तो ये हमारी 108 मंजरी की माला बनकर तैयार हो जाएगी। माला आप अपने भगवान जी के अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं। अगर भगवान जी की मूर्ति या फोटो जो भी है आपके पास वो बड़ी है तो आप जो है थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा, मतलब कि कलावा को थोड़ा सा लूज करके थोड़ा दूर दूर बांध दीजिएगा बंच को, और अगर छोटी है तो आप थोड़ा पास पास में मंजरी को बांध लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम लास्ट में इस तरह से इसमें गांठ बांध देंगे और ये हमारी माला बनकर तैयार हो गई। तो इस प्रकार से तुलसी की मंजरी की माला आप बनाकर बृहस्पतिवार के दिन घी का दीपक जलाकर साथ में भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे तो सारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत ही चमत्कारी ये तुलसी की मंजरी की माला है। आप इसको चढ़ाएंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होंगे और तुलसी की मंजरी जब आप हटा देंगे तुलसी जी के ऊपर से, और इसके साथ ही किसी शुभ मुहूर्त में तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर में रखा जाता है। साथ ही समय समय पर घर के कोने कोने में मंजरी युक्त गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। तो मान्यता है ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, उनका बोझ हटा देंगे, भार हटा देंगे तो मैया भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं बहुत ही कारगर और ज़बरदस्त हैं, निश्चित रूप से काम करते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा सावधानी पूर्वक, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। तो मिलते हैं कोई अगली अच्छी सी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।